गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ये व्लॉग मैं बिरयानी से शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज बन रही है बिरयानी और मेरे घर में गेस्ट आए हैं, सो इसलिए आज बिरयानी मैं बना रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे, मुझे खाना बनाना तो आता ही है लेकिन ऐसे पहली बार मतलब कि खुद से बिल्कुल ट्राई करो ना, हर चीज़ अपने हिसाब से डालो। ऐसे जब मसाले साले जब डालते हैं तो अम्मी बताती रहती हैं कि इतना मसाला डालना है, इतना ये करना है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम अपने आप से बनाओ ना तो हाँ ये होता है ना कि हाँ ये चीज़ मैंने बनाई है तो यही वाली चीज़ होगी मेरे साथ भी। तो अखनी मेरी बन के तैयार हो गई है, समझ लीजिए 2-3 सीटी बची है, अब अखनी में लग जाएगी। गोश्त मेरा गल गया, आज हम बीफ बिरयानी बना रहे हैं। तो अम्मी अंदर बैठ के बातें करती रह गई और फटाक सही में सोचा प्याज काटी और जल्दी से गोश्त बघारा। गोश्त बघारने के बाद उसी में हमने चावल भी, वो 3 घंटे से ऊपर हो चुके चावल भीग गए थे, हमने पसाव का पानी भी चढ़ा दिया और नमक हमने अपने हिसाब से डाला और बाद में हमने इसको टेस्ट करके देख लिया। और नमक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, नमक बिल्कुल परफेक्ट निकला, ना ही ज़्यादा ना ही कम। मैं ये सोचती ना कि कोई चीज़ें नमक कम हो जाए, अखनी में शायद कम हो जाए तो ऊपर से डाल लेते, लेकिन बिरयानी एक ऐसी चीज़ है ना, जब पसाव का पानी चढ़ाएं, पानी और नमक बिल्कुल इक्वल क्वान्टिटी में आपको रखना चाहिए, मतलब कि ना कोई ना तेज़ हो ना ज़्यादा हो, आप इस हिसाब से बिरयानी बनाएं। क्योंकि बिरयानी में अखनी में तो कोई मसाला वसाला कोई ज़्यादा होता है तो ऊपर से थोड़ा बहुत पड़ जाता है, अदरक लहसुन छोड़ के हर मसाले ऊपर से पड़ सकते हैं और हल्दी छोड़ के, वरना हल्दी की भी महक आने लगती है, धनिया भी हल्की हल्की सी, धनिया की भी स्मेल आए अगर आप भून के डालेंगे तो नहीं आएगी उसमें, हल्दी भी ऐसी मसाला होता है इसमें ऊपर से महक आने लगती है। लेकिन ये अखनी चावल में ये होता है कि चावल में बाद में हम कुछ नहीं कर सकते, ना ही नमक बिरयानी में डाल के खा सकते हैं। हाँ ये चाट मसाला है, जलजीरा है, वो अपना अपने हिसाब से खा लीजिए। तो अखनी में भी हमने नमक हिसाब से डाल दिया था और चावल में भी हमने चख के नमक डाल लिया है। तो बस हमारे चावल अब खौल रहे हैं और मेरी कज़िन का बर्थडे वाला व्लॉग आप लोग को मिला होगा, आई होप आप लोग को पसंद आया। मैं व्लॉग बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। पहले मैंने बनाया था कटहल की सब्ज़ी और इसमें आधा कटहल रखा हुई है, आप देख सकते हैं इतना कटहल बच गया है। लेकिन अब बिरयानी बनानी है शाम को तो मैंने सोचा ये कटहल कल काम आ जाएगा या नाश्ते वास्ते पराठे के साथ काम आ जाएगा, तो इसलिए मेरी यखनी भी तैयार हो गई, 2-3 सीटी में हो गई थी। और अब हम भून के एक कनी पे चावल उतार के उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये मेरी बिरयानी रेडी हो गई और इसमें केवड़ा डालना है, दे रहे हैं दे रहा नहीं दे रहे केवड़ा हम गए थे शाम को नवीद मार्केट मोमोज खाने गए थे, लेकिन अम्मी की जूती दूसरे में सोचा, अम्मी को जूती टाइप की बैली टाइप की अम्मी पहनती है ना, उनको चप्पल पहनी कहती हैं, उनकी एड़ी में बहुत ज़्यादा क्रैक रहती हैं, तो इसीलिए तो अम्मी ये लहंगा महंगा देख ली थी। आप देख सकते हैं उनको ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक है। और बस ये नवी मार्केट है हमारे कानपुर की, बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स है, कोई ऐसी चीज़ नहीं आप जहाँ पे जो अवेलेबल ना हो, चूड़ी से लेके हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है आपको अच्छे से। वेस्टर्न ड्रेस ले लीजिए, ट्रेडिशनल ड्रेस ले लीजिए, इंडियन ज्वेलरी, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहती है। और ये अम्मी है और यहाँ पे पर्स की सेल लगी हुई थी, 850 रुपये के सारे पर्स जितने भी आप देख रहे हैं 850 रुपये के थे और पर्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे और यहाँ पे हम मोमोज खाने के लिए गए थे, यहीं से हम हमेशा अपने मोमोज खाते हैं। नवी मार्केट में देव कलेक्शन के जस्ट सामने, और ये मेरी प्लेट है, इसमें सॉस गिर गई थी अलग से, और ये अम्मी की प्लेट है, और ये सब पुष्पा वालों की सेल लगी हुई थी। और हम घर आ गए थे तो बस ये देखिए हमने क्या क्या वहाँ से सामान लिया था, हमने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था, हमने चप्पल ली थी, अम्मी की बैली ली थी और लाइट ऑन करने की इधर है, और ये हम लेके आए हैं जूती, मेरी नहीं है वैसे, अम्मी की जूती है, और ये वाली बैली लेके आए थे क्योंकि अम्मी के पास चप्पल अम्मी मेरी पहनती नहीं है, क्योंकि पता है जो उनकी एड़ियाँ हैं ना, एड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा फटती है तो बहुत ख़राब लगता है, और एड़ियों में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं जब से अम्मी बड़ी हुई है, जब से उनकी अम्मी तक कर रही है लेकिन उनकी एड़ियाँ सही नहीं होनी है, तो इसलिए अम्मी हमेशा से ही बैली पहनती है। और मुझे ये बैली दिख गई वहाँ पर, हम लोग तो गए थे मोमो खाने के लिए, मोमो खाने के बाद हमें वहाँ पर आप कलेक्शन भी आप देख लीजिएगा, इसको चाहिए वहाँ जाकर परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पर्स हैं इस टाइम, सब कुछ मिल रहा है। और
तो ये अम्मी जूती पहनती है बेली टाइप की, तो ये सही है अम्मी के लिए। और ये मैंने ली थी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें बहुत सारे कलर थे, ग्रे कलर था और ब्लैक कलर था, लेकिन मुझे ये वाला चप्पल का साइज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे साइज़ भी यही अच्छा था, कम्फर्टेबल भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल टाइप का है। और ये लिया है पर्स, पर्स तो आप जानते ही होंगे मुझे पर्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मुझे सिर्फ नकाब और पर्स का शौक है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, और देखने में माशाल्लाह से बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। आप देख सकते हैं कितना स्मार्ट लग रहा है पर्स। मैं ये नहीं देखती हूँ कि वाइट है चीज़ गंदी हो जाएगी, लेकिन नहीं, जो चीज़ सोबर लगेगी सिर्फ वही चीज़ लेना चाहिए। तो मुझे ये पर्स बहुत अच्छा लगा और मैंने ये ले लिया। ये अंदर की स्पेस देखिए, तो उस टाइम तो कतरन भरी जाती है वैसे सब चीज़ों में। इसे पेपर भरे हुए हैं और अंदर एक जिप भी है इसके अंदर, और एक अंदर पॉकेट भी है, सेम आप मनी रख सकते हैं, मोबाइल भी आ सकता है, और चेन कैस करके लेके है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा देखने, मुझे एक बार में यही पसंद आ गया तो मैंने ये ले लिया। ऐसे नहीं लगी, वैसे करके लगी। फंस रही है थोड़ा सा, बस लग गया। आप लोग बताइएगा मेरा ये पर्स आप लोगों को कैसा लगा। आप चाहें ऐसे हैंडल करके भी पकड़ सकती हैं, हल्का सा ऐसे करके ये वाली चेन अंदर चली जाएगी। आप डबल से भी कर सकती हैं, ये देखिए आप ऐसे भी कर सकती हैं और आप वैसे भी कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी बताइए कैसा लगा आप लोगों को। और ये चप्पल ही थी वहाँ से, और मोमो खाए थे बस, टहल घूम के चले आए थे। आप कलेक्शन आप देख लीजिएगा, आप भी बन रहे हैं गुलाब वाले का। वाह बढ़िया, रोटी पहले बन चुकी और आज हम बनाएंगे कबाब। अरे कबाब बने हुए हैं, इसको सिर्फ हमें फ्राई करना है। कच्चे वाले कबाब जो है वो बने हुए हैं, पूरे कच्चे करके रखे हुए हैं।